हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं सुरेंद्र। और दोस्तों, आज बात करेंगे अपन NVS के एडमिट कार्ड के बारे में। आप लोग इंतज़ार कर रहे थे, मुझे पता है, अब पर समिति ने अब लेटर जारी करके बता दिया गया है कि कहां से आपको एडमिट कार्ड डाउनलोड करना है और कब करना है, कैसे करना है, सारी चीज़ें इस नोटिफिकेशन में उन्होंने बताई है। तो दोस्तों, यहाँ पर लिखा हुआ है कि जो असिस्टेंट कमिश्नर है, PGT, TGT, लीगल असिस्टेंट, फीमेल स्टाफ नर्स, केटरिंग और LDC, इन सब लोगों के जो एडमिट कार्ड है जारी कर दिए हैं। पहली बात तो आप कहाँ से डाउनलोड कर सकते हो, यहाँ पे जो साइट दे रखी है, दो साइटें हैं दोस्तों, तो यहाँ से आपके एडमिट कार्ड आप देख सकते हो या डाउनलोड कर सकते हो। दूसरी बात यह है कि NVS जैसी संस्थाएँ, बहुत अच्छी संस्थाएँ, इन्होंने आपके एडमिट कार्ड, आपके जो ईमेल आईडी दे रखा था, वहाँ पर मांगा गया था आपका ईमेल आईडी और फ़ोन नंबर, तो वहाँ पर भी इन्होंने लिंक भेजा, ईमेल भेजा है। ईमेल आईडी में देखोगे तो वहाँ से भी आप आपका जो एडमिट कार्ड है डाउनलोड कर सकते हो। दूसरी बात, इन्होंने जो मोबाइल दिए थे आपने, उसमें भी SMS भेजा है, तो इससे आप लोगों को पता लग जाए, क्योंकि कई सारे बोर्ड है ना, फ़ोन नंबर भी मांग लेते हैं, ईमेल आईडी मांग लेते हैं, पर फिर भी वो है ना तो आपको नोटिफिकेशन भेजते हैं और ना ही आपका ईमेल जो एडमिट कार्ड है ईमेल पर भेजते हैं। पर NVS ने ये सारी सुविधाएं की है, आपकी जो सुविधा है उसका पूरा ध्यान रखा है, ईमेल पे भी भेजा है और जो साइट है उसकी, वहाँ से भी आप डाउनलोड कर सकते हो। फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम आए तो यहाँ पे दोस्तों इन्होंने अपने नंबर भी दिए हैं और ईमेल एड्रेस भी दिया है, यहाँ पर भी आप उनसे संपर्क कर सकते हो। अब देखते हैं कि किस प्रकार आपका जो एडमिट कार्ड है वो डाउनलोड करना है। जैसे ही NVS की साइट खोलोगे दोस्तों, तो नीचे लिखा हुआ आ रहा है दोस्तों, ये वाली पट्टी पर, क्लिक हियर टू डाउनलोड ई एडमिट कार्ड फॉर पोस्ट ऑफ असिस्टेंट कमिश्नर, PGT, TGT, लीगल असिस्टेंट, स्टाफ नर्स, केटरिंग। तो यहाँ से जब क्लिक करोगे तो वहाँ पे एक ऐसा लोगो निकल के आएगा और वहाँ पर आपकी जो आईडी और पासवर्ड मांगा जाएगा, वो भरने के बाद आप आपका एडमिट कार्ड आराम से डाउनलोड कर सकोगे। अगर आपके पास मेल आया है तो इस प्रकार का मेल आया होगा, मैं बता देता हूँ आपको। तो मेल में यहाँ पे नीचे लिंक दे रखा है, तो वहाँ पे अगर क्लिक करोगे तो यहाँ से भी आपका जो एडमिट कार्ड है वो डाउनलोड किया जा सकता है। और मोबाइल नंबर पर आपके जो सीक्वेंस नंबर है वह दिए हैं, तो वहाँ से भी उनको डालकर आप जो मोबाइल नंबर पर SMS आया है, वह जो सीक्वेंस नंबर है उनको याद करके या फिर उनको लिखकर, और जो NVS की साइट पे जाइए और पासवर्ड डालकर आपका एडमिट कार्ड डाउनलोड किया जा सकता है। तो दोस्तों, अभी भी आपको अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए कि क्या प्रॉब्लम आ रही है, उनका सोल्यूशन मैं बता दूंगा आपको कमेंट बॉक्स में। आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करना ना भूलें, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर सबसे लेटेस्ट और सबसे ऑथेंटिक न्यूज़ अपडेट आप लोगों को टाइम टू टाइम दी जाती है। एक बार फिर से आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। जय हिंद, जय भारत।